जमदग्नि ने अपने सभी बेटियों से कहा कि अपनी मां का सिर काट दो, तो किसी ने नहीं काटा। छोटे पुत्र जो परशुराम जी थे इनसे कहा कि बेटे अपनी मां का भी सिर काट दो और अपने भाइयों का भी सिर काट दो। तो परशुराम जी ने वही किया, मां का भी सिर काटा और अपने भाइयों का भी। तो पिता ने कहा वरदान मांगो, कहा ये लोग जीवित हो जाएं और इनको मेरे मारने का सामान्य भी न रहे। परशुराम जी के जन्मस्थल के संबंध में अपने मिथ्या वैदृश्य के अहंकार का प्रदर्शन करते हुए भिन्न भिन्न लोग कह रहे हैं, कोई असम कह रहा है, कोई हिमाचल प्रदेश कह रहा है, कोई मध्य प्रदेश कह रहा है। इस समय मैं अपने गुरुदेव परम आदरणीय पद्म विभूषण चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर परम पूज्य राम भद्राचार्य जी के आश्रम में हूँ। आज गुरुदेव से बहुत बड़ी जानकारी मिली, एक ऐसी जानकारी मिली जिसके ऊपर बहुत सारे बुद्धिजीवी अलग अलग तरीके की राय दे रहे थे। आज मैं हरिद्वार में हूँ और एक कार्यक्रम था यहाँ पे परशुराम जी के ऊपर कि परशुराम जी का जन्म स्थल क्या है। उसमें परम पूज्य गुरुदेव ने शास्त्रों को कोट करते हुए आज भगवान परशुराम के जन्म स्थान के बारे में जानकारी दी है। मैं परम गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि गुरुदेव, क्योंकि अभी हम जो बात कहें, आप जो कुछ कहेंगे इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसको बहुत सारे चैनल्स पर डाला जाएगा, सोशल मीडिया में डाला जाएगा, यूट्यूब फेसबुक पर डाला जाएगा। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस पर एक विस्तृत जो कुछ अभी आपने कहा था उस कार्यक्रम में एक बार पुनः कहें आप। मैं पद्म विभूषण जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम भद्राचार्य आप सबको बहुत बहुत बधाई ज्ञापन करता हूं। परशुराम जी के जन्मस्थल के संबंध में अपने मिथ्या वैदृश्य के अहंकार का प्रदर्शन करते हुए भिन्न भिन्न लोग कह रहे हैं, कोई असम कह रहा है, कोई हिमाचल प्रदेश कह रहा है, कोई मध्य प्रदेश कह रहा है। पर मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि परशुराम जी का जन्म जो आज उत्तर प्रदेश में जो आज का गाजीपुर जिला है वहीं पर हुआ था। वह गाजीपुर पहले गाधीपुर था और महाराज गाध की जो बेटी सत्यवती थी उन्हीं के पुत्र थे परशुराम जी के पिता जमदग्नि जी। जमदग्नि का क्षेत्र था जौनपुर, जिसे पहले जमदग्निपुर कहते थे। आपका जन्म स्थान वही है गुरुदेव? सौभाग्य मेरा भी जी जी जी। जमदग्निपुर में वो रहते थे जी। चूंकि महाराजा गांधी के वो नाती थे अर्थात बेटी के बेटे थे जी, इसे गंगा तट पर भी एक कुटी उन्होंने बना रखी थी। जहां उनकी कुटी बनी थी उसका नाम था जमदग्नीय, आज वो है जमनिया। जमनिया के पास ही गंगा जी का तट है जहां पर श्राम जी का जन्म हुआ था जी। इसका स्पष्ट और प्रबल प्रमाण यह है कि जमदग्नि की पत्नी का नाम था रेणुका जी, और वो अपनी कुटी से गंगा जी में जल लेने के लिए स्वयं जाया करती थी। जब परशुराम जी ने रेणुका जी का सिर काटा था उस समय का भागवत का वचन है, कदाचित रेणुका याता गंगायाम पद्ममालिनम गंधर्वराजम क्रीडंतम अप्सरोभिर पश्यत। सत किसी समय गंगा जी में खेलते हुए चित्रस गंधर्व को रेणुका जी ने देखा था। उदकार्थम गता नदीम, वो जल के लिए ही गंगा जी के पास आई थी।
यहां इससे स्पष्ट हो जाता है, यदि कोई कहे कि असम में जन्म हुआ था क्या असम से वो गंगा जी का जल लेने आएंगे यहाँ जी, 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 या हिमाचल प्रदेश के तपता पानी स्थान से जल लेने आएंगी जी। जब शास्त्र कह रहा है गंगायाम रेणुका यात्रा, गंगा जी के तट पर रेणुका जी आई, तो भागवत जी के नौम स्कंध के 16वें अध्याय का द्वितीय श्लोक ही यह सिद्ध कर रहा है। उन परशुराम जी का जन्म गंगा जी के तट पर हुआ था। और सबसे बड़ा रोचक प्रकरण यह है, चूंकि रेणुका जी की ससुराल जो थी वो जमदग्निपुरम में थी, जिसे आजकल जौनपुर कह रहे हैं जी। वहां गोमती के तट पर एक गांव है जमैथा, अर्थात जिसको जमदग्निस्थ कहते थे पहले, उसको जमैथा कहने लगे। अच्छा, वो गोमती के तट पर जी। तो परशुराम जी ने गंगा के तट पर सिर काटा था रेणुका जी का, और उसको वहां उन्होंने जमदग्निपुरम में जमदग्नि के पास फेंक दिया, लीजिए मैंने इनका सिर काट दिया। आज भी आप जमैथा में जाएंगे तो वहां एक मंदिर है जी, जहां देवी जी के सिर की ही पूजा होती है जी। उसी सिर की जिसको परशुराम जी ने काटा था, फरसे से काटा था। इसलिए सारे प्रमाण ये बता रहे हैं कि परशुराम जी का जन्म गाजीपुर में हुआ था, जिसे आजकल गाजीपुर कहते हैं, और वहीं पर जमदग्नि की कुटी थी। प्राय के ऋषिगण गंगा को बहुत स्नेह करते हैं, वहीं स्नान करते थे, और उसी कुटी से गंगा जी का जल लेने के लिए रेणुका जी आई थी। वहां चित्र से गंधर्व को खेलते देखा, किंचित चित्र स्पृहा, तो उनका मन चित्रस के पर थोड़ा मोहित हो गया था। तब जमदग्नि ने अपने सभी बेटों से कहा कि अपनी मां का सिर काट दो, तो किसी ने नहीं काटा। छोटे पुत्र जो परशुराम जी थे इनसे कहा कि बेटे अपनी मां का भी सिर काट दो और अपने भाइयों का भी सिर काट दो। तो परशुराम जी ने वही किया, मां का भी सिर काटा और अपने भाइयों का भी। तो पिता ने कहा वरदान मांगो, कहा ये लोग जीवित हो जाएं और इनको मेरे मारने का स्मरण भी न रहे जी। जी। इस प्रकार यह घटना उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में घटी थी, और काट कर सिर पैतृक निवास जमदग्निपुरम के जमैथा नामक ग्राम में फेंक दिया था परशुराम जी ने। आज भी देवी की वही देवी, क्योंकि कभी भी यदि कोई कहे कि चंडिका देवी क्या कभी देवी के सिर की पूजा होती, सिर की पूजा कभी नहीं होती उनकी जी, जी, जी। इनके सिर की पूजा इसलिए हुई कि परशुराम जैसे भगवान ने फरसे से काट कर उसको पाप से रहित कर दिया, इसे निष्पाप मानकर उनके सिर की पूजा हुई जी। और हम ये भी कह रहे हैं कि परशुराम जी ने सभी क्षत्रियों का विनाश नहीं किया था जी। जो ब्राह्मण द्रोही वैदिक सनातन धर्मावलंबी ब्राह्मणों का जो द्रोह करते थे जी। उन्हीं राजाओं का सिर काटा था, ऐसा पूर्व में भी एक उदाहरण भागवत में मुझे वेन का जो हाँ उदाहरण है, वेन दुराचारी हो गया तो उसका जब वेन नास्तिक हो गया तो उसका ऋषि उसको हुंकार से भरसात किया था। और भागवत का वचन है अवतारे षोडश में पश्चन ब्रह्म द्रोह नृपा, ब्रह्म द्रोह वैदिक ब्राह्मणों का विरोध करने वाले अपने को सत्ताधीश मानने वाले अभिमानी राजाओं का सिर काटा था परशुराम जी ने। इसलिए जब श्री रामा अवतार हो गए परशुराम जी ने कह दिया कि मैंने धर्म विरोधी, मैंने ब्राह्मणों का ब्राह्मण विरोधी राजाओं का वध किया था, अब तुम ब्राह्मणत्व विरोधियों का वध करो। परशुराम जी ने ब्राह्मण विरोधियों का वध किया और रामचंद्र जी ने
ब्राह्मणत्व विरोधियों का वध किया, कभी कभी ब्राह्मण होकर के अपना धनुष दिया राम जी को, इसी से अपने सार नाम को धनुष दिया राम जी को। साथियों आपने आज एक नया विषय सुना है, मैंने तो जीवन में पहली बार सुना है, आपने भी शायद पहली बार सुना होगा, जहां परशुराम जी के ऊपर वाकायदा अपने जो हमारा वेद पुराण और जब ऑलरेडी जो लिखा हुआ है वहां से गुरुदेव ने कोट करके बताया है। ये भारत का संविधान मेरे हाथ में है, ये संविधान का आर्टिकल 49 भी यही कहता है, ये देश के सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सांस्कृतिक धरोहरों को पुनः स्थापित करे। इसका मतलब सरकार की जिम्मेदारी है कि जिसको हम गाजीपुर कहते हैं उसको गाजीपुर कर दे, गाजीपुर कर दे, जिसे हम जौनपुर कहते हैं उसे जमदग्निपुर, जमदग्निपुर कर दे, और जहां पे और जिसको जिसको जमनिया कहते हैं जी उसको जमदग्नीय कर दे जी जी। तो आपने और जिसको जमैथा कहते जहां रेणुका का सिर बना था जी उसको जमदग्निस्थ कर दे। आपने गुरुदेव के मुंह से सुना, मैं तो आज धन्य हो गया गुरुदेव के मुंह से। लेकिन अब इस विषय को आगे बढ़ाना हमारा और आपका कर्तव्य है। मैं कोर्ट के जरिए जो कुछ कर सकता हूं करूंगा, सरकार से जहां बात कर सकता हूं वो करूंगा, लेकिन अब समय आ गया है कि एक बार पुनः भगवान परशुराम, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, भगवान राम से पहले भगवान परशुराम हैं, और बिना भगवान परशुराम के आदर्शों पे चले हुए धर्म की रक्षा असंभव है। जैसे धर्म की जय हो मतलब भगवान राम, अधर्म का नाश हो इसका मतलब भगवान परशुराम। तो अब इस एक नई शुरुआत आज गुरुदेव ने दिया है, एक नया हमें आज आदेश दिया है कि इस विषय पर हम लोग आगे बढ़ें। इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक से हो सके उसको शेयर करिए, फेसबुक पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, जहां जितना ज्यादा संभव हो एक जन जागरण किया जाए, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में डिमांड सप्लाई होती है, जब किसी चीज की डिमांड होती तभी सरकार उसको सप्लाई करती है। जब इस विषय पे पूरे देश में एक मत से स्वर उतरेगा कि जौनपुर नहीं जमदग्निपुर इसका नाम किया जाए, गाजीपुर नहीं गाधीपुरम किया जाए, और गुरुदेव ने जो दो स्थान और बताया है जमनिया और जमैथा, जमनिया और जमैथा, उसका भी पुनः नामकरण हो, और जो भगवान परशुराम का जन्म स्थान है, जो उनकी कर्म भूमि है, जो उनकी जन्म भूमि है, जो उनकी युद्ध भूमि है, उन स्थानों को पुनः सांस्कृतिक रूप से उसको विकसित किया जाए, क्योंकि ये वेद पुराण तो कहता ही है, ये भारत का संविधान भी कहता है आर्टिकल 49, ये सरकार की ड्यूटी है। आज गुरुदेव आपने हमें बहुत परम ज्ञान दिया और अब हम इस लड़ाई को आज से शुरू कर रहे हैं आपके आशीर्वाद से, विजयी भव, गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया है, अब हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। जय श्री राम, जय परशुराम।